हेलो फ्रेंड, मैं आप लोगों का दोस्त ब्रोस्टर। और आज की जो वीडियो है इसमें आप लोग देख रहे हैं कि हम लोगों की GTA वाली वीडियो चल रही है। GTA का पीछे गेम प्ले चल रहा है और यहाँ पर हमारे पास है एक गोस्ट राइडर की बाइक जो कि मैंने चुरा लिया गोस्ट राइडर से। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बड़ी औसम सी बाइक है, इसके टायरों पर आग चल रही है। एनिमेशन इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि मेरे पास PC में सिर्फ 1 GB का कार्ड लगा हुआ है, ग्राफिक कार्ड। और ये आप फर्स्ट पर्सन मूड से देख सकते हैं, बड़ी प्यारी लग रही है ये बाइक। और मैं जल भी नहीं रहा हूँ, मज़े की बात है, सांग में आओ ना तो जल नहीं रहे हो आप लोग। अच्छा, तो वैसे देखते हैं इस बाइक के, बात करते हैं इस बाइक के बारे में। तो भाई अच्छी क्रोम की वो बनी हुई है, पेंट टाइप हुआ हुआ है, जो भी होता है शाइनिंग सा वापस रिफ्लेक्ट करता है ये। यार ये मुझे बड़ा सही लगता है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टैंकी पर कुछ अजीब सा बना हुआ भी है, मुझे अभी इसके बारे में इतना पता नहीं है बाइक के बारे में। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, और इसमें जो है ना अभी हम लोग बैठ गए हैं और हेलमेट लगा है। एक सेकंड, ये हेलमेट की वजह से इस तरह फिल्टर आ रहा है। और ये इसका इंटीरियर कुछ ख़ास नहीं है, एक मीटर ही लगा हुआ था, आप लोग ने देख लिया है। और आसपास कुछ इस तरह दिख रहा है। और मेरे पास और भी बहुत सी चीज़ें हैं और फिलहाल हम इसकी स्पीड की टेस्ट करते हैं किलोमीटर पर आर की स्पीड में। तो है तो बहुत तेज़ है, देख रहे हैं तो मेरा ख्याल 200 तो टच करेगी, ये बल्कि क्रॉस करेगी 200। आप लोग देख सकते हैं भाई, 5 सेकंड में ये 50 किलोमीटर पर आर की स्पीड जा रही है, बहुत तेज़ है। और आप लोग निडल पे देख सकते हैं नीचे, और ये क्योंकि बहुत तेज़ है ना, ओ शार्ट हो गया, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सक रहा हूँ। पहले मैंने चलाई थी, बहुत तेज़ बाइक है यार, बहुत तेज़ बाइक है। और ये मेरे ख्याल अगर आपको क्लियर रोड में लेना और आप लोग चलाओ तो 5 मिनट के अंदर ये अगर 500 किलोमीटर पर आर की स्पीड टच करती है 5 मिनट के अंदर, अगर आप तेज़ भगाते रहो इसको, हाँ यानी अगर मोड़ वोड़ नहीं होती, ब्रेक आप नहीं मारते या रेस छोड़ते नहीं हो, तो आराम से 500 किलोमीटर पर आर की स्पीड ये टच करती है। उसके अलावा हम लोग देखते हैं इसमें, और अभी वीडियो के दौरान ये, ओ शार्ट बाट हो गया मैं, वीडियो के दौरान कितनी स्पीड टच करती है, मेरे ख्याल 300 तो करे ये, क्योंकि गोस्ट राइडर की बाइक है ये। और अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर इसको उठाते हैं, क्योंकि यार फर्स्ट पर्सन से ना ज़्यादा सही नहीं चलती, थर्ड पर्सन से ज़्यादा सही चलती है। वहाँ पर आग लग गई है, देख रहे हो वहाँ पर आग लग गई है, डील्स एंड डॉलर्स का ट्रक भी जा रहा है। हाँ, और फिलहाल हम लोग यहाँ जितने भी दबंग करें या जितना भी हंगामा करें, ओहो हो यार 200 किलोमीटर 300 करे टच करे 300 टच 300 यार 290 पे कुछ आके ना ये बंद हो जाती है, देख रहे हो, और कंट्रोल होती नहीं है। इसका रिवर्स में भी एक बार देखते हैं कि कितना करता है ये, टच करता है कितनी रिवर्स में गोस्ट राइडर की बाइक टच करती है। और अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, और अभी हम लोग ने वापस बैठ गए हैं इसके ऊपर, और अभी हम लोग रिवर्स में देखते हैं कि कैसे होती है इसको टच, कैसे हो रहा है। ओ शिश यार, ठुक जाती है बाइक, ठुक जाती है। और अभी हम लोग वहाँ पर गैंगस्टर भाग रहे हैं, गोस्ट राइडर की बाइक फ्रैंकलिन भाई साहब लेके फिर रहे हैं। और अभी हम लोग को देखना है कि आगे क्या होता है, इसको और भी टेस्ट करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग तेज़ भगा के देखते हैं एक लास्ट बार, क्या पता 300 तो टच करेगी इस बार, 300 टच करवाएंगे इससे। तो भाई आप लोग देख सकते हैं कि 300 तो टच नहीं हुई, मगर ये नाले में आके ज़रूर फंस गए हैं, और अब नहीं चलनी मोटरसाइकिल, ये मैंने आप लोगों को बता दिया, अब मोटरसाइकिल नहीं चलनी। फिर भी एक बार ट्राई मार के देखते हैं, अगर मोटरसाइकिल चल जाती है तो हो जाता है। इंटर दबा रहा हूँ मैं और कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा इसमें, और इंटर में दबा रहा हूँ फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है। और अभी यहाँ पर इसको स्प्लैश बूम करके देखते हैं कि भाई क्या होता है। तो इधर हम लोग इस पर एक रॉकेट फाड़ा और पानी में आग लगी हुई है, आग बुझ नहीं रही है, फर्स्ट पर्सन से देखते हैं क्या होता है। और यार ये मैप पता नहीं क्यों बार बार खुल रहे हैं मेरे से। और यहाँ पर अभी हम लोग देख रहे हैं, सॉरी यार ये माइक्रोफोन ना हेडफोन वाला मैं सेट इस्तेमाल करता हूँ तो बार बार उंगलियाँ लग जाती हैं। यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो बहुत तेज़ी से ये स्प्लैश गई बाइक गई, अब बाइक उठ ही नहीं सकती। चलो ब्रिज फाड़ के देखते हैं हम लोग ब्रिज कैसे फटता है। तो फिलहाल तो यहाँ पर ब्रिज को कोई असर नहीं हो रहा, जितनी भी तुम पावरफुल यहाँ पर चीज़ें यूज़ कर लो, GTA की एक बिल्डिंग क्या एक पत्ता तक नहीं हिला सकते, मजाक करूं पता तो हिल जाएगा। और इसके अलावा भी हम लोग आतिशबाजी करके देखते हैं कि आतिशबाजी करेंगे तो क्या होता है। और यहाँ पर आतिशबाजी हो रही है, ये मैंने आतिशबाजी का लॉन्चर उठाया हुआ है पहली बार, फर्स्ट टाइम इन GTA
वेल आई एम प्लेइंग यस इंग्लिश मेरी मानो ना मानो बहुत अच्छी है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये बहुत ऊपर जाके जो पटती है ना आतिशबाजी होती है वो वाली, वो देख रहे हो तुम लोग साइड में कैसे सही से फट रही है। और अगर इसमें दो एनिमेशन है, एक और एनिमेशन भी है, वो भी मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। वैसे यार ये वाली बड़ी कमाल की है, न्यू ईयर की खुशी में, माना कि न्यू ईयर गुजर चुका है मगर फिर भी हम लोग करेंगे। ये देखो ये दो एनिमेशन है इसमें, एक वो ऊपर वाली एक ये वाली। यार ये मैप पता नहीं क्यों बार बार खुल जाता है, ये दो दानी एनिमेशन है, दोबारा खुल गया। अरे पता नहीं मैप क्या हो गया है। इसके बाद अब ये देख रहे हो ये वाली मुझे ज़्यादा सी लग रही है क्योंकि करीब करीब से हो रही है ना, इस वजह से पानी में देखते हैं सिर्फ और सिर्फ पानी की छींटे उड़ती हैं और कुछ नहीं है। और मैंने वीडियो थोड़ी छोटी कर दी है क्योंकि अक्सर लोग पूरी देखते नहीं थे वीडियो, तो मेरे दिल पे जाके लगती थी ये बात। और इसके अलावा आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर आतिशबाजी हो रही है और क्या मैं बोलूँ, बस 6 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं कहता कि भाई 6 मिनट से भी ज़्यादा जाए वीडियो, 6 मिनट कुछ सेकेंड हों तो बस सही है, या 6.5 मिनट 7 मिनट तक की वीडियो हो। और अभी हम लोग पानी के से बाहर निकल के देखते हैं कि क्या होता है, ज़मीन पे करके देखते हैं। और आग लगी और आतिशबाजी भी हुई, वैसे असल ज़िंदगी में अगर इतने करीब से आतिशबाजी करो ना तो लक पता जाता है। अभी हम लोग देखते हैं। यार ये मैंने बाहर से फुल ना मिशन खेल खेल के इस तरह ना एक्सपोर्ट करवाई है ये गन्स स्पेशल। और अगर आप लोगों को इसके ऊपर देखनी है ना वीडियो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं इस पर गन्स पे भी लेके आऊँगा, मेरे पास कौन कौन सी गन्स हैं सही है GTA में। और फिलहाल ये देख लो तुम लोग इस तरह का ये कुछ दिखती है, रैप अप हुई हुई है। और ये पिस्टल देखो यार, ये भी बड़ी VIP मेरे पास है, चोरी की है मैंने ये पिस्टल्स। और तुम लोगों के पास ऐसी पिस्टल तुम लोगों ने कभी नहीं देखी होगी जो पूरी एक बॉम्ब अपने साथ लेके चल रहे हो, ये देख रहे हो छोटे छोटे इसके अंदर बॉम्ब है, गोलियों में बॉम्ब है। और अभी वीडियो का टाइम भी ख़त्म होने वाला है तो मैं कहता हूँ अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कॉमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब तो हो जाना चाहिए किसी भी तरह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।